हेलो एवरीवन तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन सेवन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि बात करता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर ठीक है तो हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ और वैलिड ट्रांसफर क्या होता है इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वही इनग्रीडियंट्स हम देखेंगे सेक्शन सेवन से तो हमारा पहला इनग्रीडियंट क्या है द ट्रांसफर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर और ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफरर कौन होगा और ट्रांसफरी कौन होगा देखिए ए है इसके पास एक प्रॉपर्टी है इसने इस प्रॉपर्टी को इसने इस प्रॉपर्टी को क्या करा बी को दे दिया तो ए हमारा क्या हो गया ए हमारा हो गया ट्रांसफरर और बी हमारा हो गया ट्रांसफरी क्लियर है यहां तक तो यहां पर हम किसकी कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं ट्रांसफरर की ठीक है ट्रांसफरर की कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं तो कैसे देखेंगे कि ट्रांसफरर हमारा कॉम्पिटेंट है कि नहीं तो हम देखेंगे एज ऑफ मेजॉरिटी से कि ट्रांसफरर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए मेजर होना चाहिए साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्कालीफाइड नहीं होना चाहिए लॉ से किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ठीक है इतने एसेंशियल्स हैं। अब एज ऑफ मेजोरिटी आप देखते हैं तो कहां से देखते हैं और माइनर कौन होता है माइनर कोई भी ऐसा पर्सन होता है जिसने अपनी एज नहीं कंप्लीट करी है 18 ईयर्स की ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स बिलो 18 है तो वो क्या है माइनर है कहां पर दिया हुआ है ये दिया हुआ है इंडियन मेजोरिटी एक्ट एटीन में अच्छा ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं एज ऑफ मेजोरिटी साउंड माइंड और नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ये कहाँ से आए हैं ये आपके आए हैं सेक्शन 11 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ठीक है तो एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब हुआ ये माइनर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई है क्योंकि नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट बहुत अलग है देखो माइनर एग्रीमेंट्स इज वॉइड माइनर का एग्रीमेंट होगा अगर तो वो वॉइड होगा नो नो स्टॉपेल इज अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टिट्यूशन अप्लाईस इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआरए रेफर करना पड़ेगा नया सेक्शन और पुराना सेक्शन जो था नो रेटिफिकेशन रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता माइनर का कि वो बड़ा हो के अपने ही एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दे ठीक है तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नेचर हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या नेचर है ठीक है तो मेजोरिटी आपको क्लियर हो गया कि मेजर कौन होता है अब साउंड माइंड कहाँ दिया हुआ है ये दिया हुआ सेक्शन ट्वेल्व में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन इलेवन एंड सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन ट्वेल्व टू हिज इंटरेस्ट ठीक है तो साउंड माइंड ये हुआ कि, उसे पता है कि उसका बेनिफिट क्या है उसे पता है कि उसका लॉस क्या है नॉट डिस्कालीफाइड बाई लॉ क्या हुआ कि मतलब लॉ ने उसे बार नहीं किया है लॉ ने उनको स्टॉप नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से ठीक है या ट्रांसफर करने से यहां पर तो ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से हो सकता है कि वो ना ट्रांसफर कर सकें लीगल स्टेटस की वजह से हो सकता है कि वो ना ट्रांसफर करें हो सकता है फॉरेन सॉवरेंस हो इंसॉल्वेंट्स हो या एलियन एनिमी हो तो ये सब क्या है ये सब डिस्कालीफाइड बाई लॉ है ठीक है तो इन सब वजह से हो सकता है कि वो ट्रांसफर ना कर सकें चलिए आगे का इंग्रेडिएंट देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा सेकंड पॉइंट कहता है ट्रांसफर शुड हैव द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बीइंग ट्रांसफर्ड इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफरर के पास अधिकार होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का या तो वो प्रॉपर्टी खुद उसकी होनी चाहिए तभी वो ट्रांसफर कर सकता है ऐसा क्यों है बिकॉज द ट्रांसफर कैन ओनली पास दैट टाइटल टू द ट्रांसफर ही विच ही हिमसेल्फ हैज और ऐसा क्यों है वो वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है जो उसके पास हो बिकॉज इट इज अ जनरल रूल दैट नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज और अगर उनके पास अधिकार है अथॉरिटी है तो वो किस कैपेसिटी में हो सकती है वो हो सकती है एजेंट की कैपेसिटी में या तो वो ओनर के गार्जियन हो या तो ट्रस्टी हो या एटसेट्रा ठीक है तब वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक इलेस्ट्रेशन क्या एक आपको इलेबरेट कर देते हैं जैसे ये ए है और इन्हें ट्रांसफ़र करना है ठीक है तो या तो इनके पास ये प्रॉपर्टी हो या जो प्रॉपर्टी है या तो इनके पास ये प्रॉपर्टी हो तब ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को से बी को या तो इनके पास अथॉरिटी हो अथॉरिटी होगी तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अथॉरिटी होगी किस कैपेसिटी में या तो एजेंट हो सकते हैं या तो ट्रस्टी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं या तो गार्जियन हो सकते हैं ठीक है तो इस कैपेसिटी में ये ट्रांसफर कर सकते हैं कभी आपने सुना है कि एक ट्रस्टासर ने ट्रांसफर कर दिया नहीं सुना होगा क्यों बिकॉज अ ट्रस्पासर कैन नॉट मेक अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे ट्रांसफर के पास अथॉरिटी होगी हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल मतलब जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नेचर होना चाहिए कि वो ट्रांसफर की जा सके जैसे एयर है वाटर है ये सब आप ट्रांसफर कर सकते हैं इसका नेचर ही नहीं है तो हमने सेक्शन सिक्स में पढ़ा था कुछ टाइप के इंटरेस्ट जो ट्रांसफर करे ही नहीं जा सकते हैं तो उनके अलावा मूवेबल इमूवेबल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी जो भी है वो ट्रांसफरेबल है टीपीए के अंडर ठीक है तो मतलब उस प्रॉपर्टी के नेचर में होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है अब आप सोचिए कि एयर किसी को ट्रांसफर कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है ना एयर ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है लास्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड होली और इन पार्ट अब जो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ये सपोज करिए यहाँ पर ए है हमारा और इसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है और इसकी ये प्रॉपर्टी है तो अगर ये चाहेगा तभी तो प्रॉपर्टी बेचेगा अगर ये बेचना ही नहीं चाहता तो प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफर होगी तो ये जो ट्रांसफर होगा हमारा ये हमेशा किसके पे होगा ये हमेशा हमारा ट्रांसफरर के डिस्क्रिशन में होगा क्यों क्योंकि ट्रांसफरर चाहेगा तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ना अगर वो चाहेगा तो कंडीशन लगा के बेचेगा अगर वो चाहेगा तो एब्सल्यूट बेचेगा जैसे अगर वो एब्सल्यूट बेचेगा तो कोई बात नहीं अगर कंडीशन कर बेचेगा तो कैसे प्रॉपर्टी हो जाएगी ये ये हो जाएगी तब ट्रांसफर क्या कहलाएगा कंडीशनल ट्रांसफर अब जब कंडीशनल ट्रांसफर होगा तो या तो कंडीशन प्रेसिडेंट होगी या तो कंडीशन सबसिक्वेंट होगी ठीक है और अगर कंडीशन नहीं लगाएगा तो कैसा ट्रांसफर होगा तब होगा एब्सोल्यूट ट्रांसफर मतलब ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसफर के ऊपर की प्रॉपर्टी कैसे बेचनी है पार्ट्स में बेचनी है या हाफ बेचनी है कंडीशन के साथ बेचनी है या एब्सल्यूट बेचनी है तो होप आपको सेक्शन सेवन क्लियर होगा अब अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन एट और सेक्शन नाइन